हापुड़ हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हुई। हादसे में नया खुलासा, फैक्ट्री में होता था पटाखों का कारोबार। पटाखों में बारूद भरते वक्त हादसा होने की आशंका, धमाके में ढह गई 8 फीट की दीवार। कानपुर हिंसा मामले में 500 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। अब तक 24 लोग गिरफ्तार। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हुए। हिंसा प्रभावित इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कानपुर में हिंसा के वक्त का अब एक नया वीडियो सामने आया। भीड़ में मौजूद एक आदमी लाल रुमाल लहराता हुआ आ रहा है नजर। इसके बाद ही लोगों ने दुकानों पर हमला बोल दिया। आगरा में जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष का ऑडियो हुआ वायरल। कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर धमकी दी। कहा मस्जिद की तरफ देखने वालों की आंख फोड़ दी जाएगी। राजस्थान के बूंदी में मौलाना ने दिया भड़काऊ बयान। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कहा कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो आंख नोच लेंगे। कानपुर हिंसा के बाद बरेली में प्रशासन अलर्ट। मौलाना तौकीर ने 10 जून को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। जिलाधिकारी ने 3 जुलाई तक धारा 144 लगाने का ऐलान किया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में याचिका देने वाले महेंद्र प्रताप को मिली धमकी। वृंदावन कोतवाली में तहरीर देकर मांगी गई सुरक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाया पौधा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में गौशाला में किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर चेन्नई में किया गया साइकिल रैली का आयोजन। 55 किलोमीटर लंबी रैली में करीब 4 साइकिल सवारों ने लिया हिस्सा। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं ने पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हरी भरी पत्तियों से तैयार होकर किया योग। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। दिल्ली में फिर से प्रचंड गर्मी का दौर। अगले 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तापमान। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन तक लू चलने की है आशंका। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। 4-5 जून को राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आगरा में ताजमहल देखने आए सैलानियों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। आम दिनों के मुकाबले पर्यटकों की संख्या भी घट गई है। लोगों का ऐसा कहना है कि गर्मी की वजह से ताजमहल का पूरा परिसर घूम पाना बेहद मुश्किल हो गया है। यूपी के प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। राहत पाने के लिए पार्क्स में समय बिता रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। दोपहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी के 4 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति कोविंद आज वाराणसी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। रांची में जेपी नड्डा आज 2 नए बने जिला बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। 6 जिलों की आधारशिला रखेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। आरजेडी आज जारी करेगी सरकार पर रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव बताएंगे नीति सरकार की विफलता। आज जेपी संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना के बापू सभागार में है कार्यक्रम। ओडिशा में नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में आज होगा फेरबदल। नए मंत्री सुबह 11:45 पर शपथ लेंगे। 3 साल पुराने मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल होगा। आज है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। अयोध्या के रामकथा पार्क में 51 किलो के लड्डू को प्रसाद के तौर पर बनाया गया है। सीएम योगी के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में बाइक रैली की। रामकथा पार्क में करेंगे रैली। 5 लाख की भीड़ जुटाने का दावा।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मिले अमित शाह, परिवार को न्याय का भरोसा दिया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मांग रखी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, कहा मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं। संगरूर लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। हाले मेरे पुत्र का सेवा ठंडा नहीं होया, मेरा किसी इलेक्शन का कोई मन नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता बीजेपी में हुए शामिल। राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के बीच बड़ा विवाद। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई में वार पलटवार। अगर अंतरात्मा पार्टी में नहीं है तो उसको इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी के आदेश पर लगाई रोक। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को ठेके दिलवाए। हिमंता बिस्व शर्मा पर आपका बहुत बड़ा आरोप। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत, कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ गुवाहाटी में दर्ज कराऊंगा मानहानि का मामला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्यसभा चुनाव से पहले छोटे दलों के विधायकों पर दबाव बना रही है बीजेपी। हॉर्स रेडिंग की बात चल रही है महाराष्ट्र में, केंद्रीय जांच एजेंसी के दबाव की बात चल रही है विधायकों के ऊपर, ये सब बातें हम ध्यान से देख रहे हैं। और आइए आप देख लेते हैं कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ खबरें फटाफट अंदाज में ही। आज जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना होंगे विस्थापित कश्मीरी पंडित। मध्य कश्मीर के गंदरबल में है खीर भवानी मंदिर। प्रशासन ने तीर्थ यात्रा के पुख्ता इंतजाम किए। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा कश्मीर के मौजूदा हालात पर पूरा देश चिंतित, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं पलायन। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से हर जरूरी कदम उठाने की मांग। केंद्र सरकार इसमें जो भी कदम उठाने की जरूरत है कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब पलायन करने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा अगर कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की हार है। आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हुए हैं। हालात ऐसा हो गए कि आपको बैरिकेड लगा के पंडितों को रुकने का अभी नौबत आ गए। क्यों ऐसा हुआ ये सरकार को जवाब देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कहा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और सुरक्षा बलों की। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान इशारे और शहर अंग्रेजी लगे हैं।
चिट्ठी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।